हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा सिंह आज बनाने जा रही हूँ खमन ढोकला। ये दाल चावल और मैं इसमें दही और नारियल का इस्तेमाल करूँगी। इसके लिए मैंने दाल और चावल का पेस्ट बना रखा है। इसका रेशो मैंने 1:3 का लिया है। अगर 3 हिस्सा चावल है तो 1 हिस्सा मैंने उड़द की दाल ली है और उसका मैंने इस तरह का पेस्ट बना लिया है, जैसे कि डोसे का पेस्ट बनता है। यदि आपके पास कभी डोसे का बैटर बच जाए तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस बैटर को एक कटोरे में ले रही हूँ और मैंने एक कटोरी में आधी कटोरी दही और 1 बड़ा चम्मच नारियल और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके मिक्स कर रखा है। ये मैं इसमें मिला रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल का डालेंगे। तेल डालने से ढोकला सॉफ्ट बनता है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डालूंगी। और 1/4 चम्मच चीनी। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 ईनो का सैशे डालेंगे और मैंने कुकर में पानी गर्म करने रखा हुआ है और उसमें जाली का स्टैंड रखा हुआ है। जैसे ही पानी उबल जाएगा तब हम इसको ढोकले के बैटर को कंटेनर में तेल लगा करके रखेंगे। इनो मिलाते समय हमको ध्यान रखना है कि ये हम बहुत हल्के हाथ से मिलाएं और अच्छे से चारों तरफ मिला लें। ये देखिए, इसमें इस तरह से बबल्स आने लगे हैं। अब मैं इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए, पानी उबल चुका है। अब मैं इसको इसमें रख रही हूँ। पहले हम 3 से 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर गैस कम करके 10 मिनट पकाएंगे। कुकर के ढक्कन का हम वेंट वेट निकाल देंगे। ये देखिए, हमारा ढोकला तैयार है। अब हम इसको टूथपिक की सहायता से चेक करेंगे। ये देखते हैं कि बिल्कुल साफ निकली है। इसका मतलब हमारा ढोकला तैयार हो चुका है। अब हम इसके पीसेस के कट लगा देंगे और तड़का बनाकर इसके ऊपर डालेंगे। एक तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। अब मैं इसमें काली सरसों डालूंगी। अभी जब ये चटक जाएगी तब मैं इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च चीरा लगाकर डालूंगी। अब मैं इसमें चुटकी भर लाल मिर्च और करी पत्ता और 4-5 हरी मिर्च चीरा लगाकर फ्राई करूंगी। इस तड़के को हम करी पत्ता और हरी मिर्च का जो तड़का बनाया हमने, हम इस ढोकले के ऊपर डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरह का ढोकला बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरी चैनल के लिए नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।